प्रिय दर्शक बंधु आम सिद्धार्थ भक्ति परिवार तरफ आपण मानक समस्त को हार्दिक नमन। दर्शक बंधु आज पर्यंत प्रथम अध्याय नहीं पंचम अध्याय पर्यंत आपण माने कार्तिक महात्म्य श्रवण कर सारे एवं आज पाठ करवा षष्ठ अध्याय सबुदिन भली आम सहित आम गहणरे अच्छा श्रीमंदिर अनन्य सेवायत जे कि मानगोविंद आपट महोदय आसतु ताकि स्वागत करवा। मानगोविंद महोदय आपण को आम सिद्धार्थ परिवार तरफ हार्दिक अभिनंदन। जय जगन्नाथ। आपण आज पर्यंत आम को पंचम अध्याय श्रवण कर सारे एवं आज आम आसवा षष्ठ अध्याय को ना कौन कौन आज्ञा कहंती ब्रह्मांक कुमार सुण राजन धर्म सार कार्तिक व्रत जहा अच्छी हविष्य अर्थे जहा इच्छि ताहा कहिबा विधि मते संसार जनक रहिते ब्रह्मांक वचन विहित जे विष्णु प्रिय महाव्रत आत्मार कारण विचारे जे जन पालिब संसारे मधु मांसादि जे आमिष कोळथ मसूर जे मांस वर्तिका आदि कंटा फल कुष्मांड आदि मधुराल अगस्ति विनु जेते साकी कार्तिके न भक्षिवे व्रती लेम्बू जांबूल बहु बीज मूला ककड़ा कर्क भेजी जल अरंड रस वेनी कार्तिके अंगरे न घेनी अजा महिषी वेनी क्षीर कार्तिके न करी आहार तांबूल आदि मुखवास भक्षणे अति बड़ दोष निंदित द्रव्य वा उच्चिष्ट दग्ध पदार्थ प्रतिष्ठित विष प्रयोग द्रव्य जेते सर्ववर्जित महाहिते कुसंग परिहास खेल कहई क्रोध हिंसा बल मिथ्या वचन निंदा जल कार्तिके वर्जित सकल चंडाले कथा न कहिब स्त्री संजोग न करिब शयने न इच्छिब संग न देखी कूट नाट रंग। केते सुंदर कथा कहिले कार्तिक व्रत जो माने पालिबे विशेष करी एहा समस्तंक पक्षरे मध्य उद्दिष्ट किंतु विशेष जो माने संकल्प करिथिबे सेमानक पई संपूर्ण भावरे नियम पालन करिबा उचित। कार्तिक मासरे वर्जन्य जिनिष मुख्य कथा आसीछि कोण कोळथ मसूर हरड़ बीरी माने केवल मुग डाली को छाड़ी अन्यान्य प्रत्येक जेते माने बीज अच्छा बा डाली अच्छा एम को ग्रहण करिबे नहीं ए हूँ ए मासर लक्षण अन्न शुद्ध अन्न जहाँ अरुआ अन्न माने जहाँ अरुआ उषुनार तो लेश मात्र ना हविष्य अन्न पालन दिनके गोटे थर भोजन एवं गोटे सुंदर कथा अच्छे कौन जो जिनस पोड़ी जाइबा ग्रहण करनी अर्थ दग्ध जोड़ा कह जा दग्ध हो जाक ग्रहण करनी ए फल भितर फल भितर कौन ग्रहण करेखा तो बहुत है कितु सतकथा कह कंचा कदमी सारु कंदमूल यही किसी पर जहाँ शुद्ध सात्विक आम देशीय परिवा एतिरे आलु बैगण कखारु टमाटो ये सबुर प्रश्न ही ना ये सब को वर्जन कर ये सब वर्जन करते व्रत अच्छी एक कथा बहिरे जहाँ लेखाई व्रत पालुवा लोक जहाँ कहीदेवे किंतु सबुठ गोटे जिनस कष्टर कम मिथ्या वचन न कह मिछ कहन कार्तिक मासरे मिछ कहिले माने तार जो कुहा जाए जीवन सारा मिछ कहिवार जो पाप हम कार्तिक मासरे थरे मिछ कहिले बा मास जाक मिछ कहिले सेही पापरे भागी हम तेणु कार्तिक मास व्रत करिछ पालन करुछ मिछ कहिबनी तापरे कौन आसुच आग को बर्तन जीवा वृक्ष आरोहण न करी अथले जले न पहरी भुजंगे न करीब क्रीड़ा जेणे आत्मा को लागे पीड़ा
तेणे नोहिव परवेश न करी पर पाके ग्रास एते वर्जित करी नित्य फुणी करीब जेवा कृत्य हविष अर्णार्थे दान वर्जित रंग कृष्ण वर्ण शरद अंते जेहु पाची बहु विधाने ताहा संची सेधान तंडुला विचारी जेवा कलंक अपहरी अर्ण रांधिव शुद्ध पत्रे जेवा वर्जित पत्र पत्रे व्यंजना तीर्थ जाहा कल्पी से कथा कहिवा संखेपी अग्नि कपाल जेहु लुण हविष्य योग्यता कुआण गोखीर घृतादि लवणी ब्राह्मण मंदिरु न किणी मद्यपजन न छुईब एवं त गोरस होइब। एठी गोटे सुंदर कथा कहले मानु बाबू, एठी मुँ टिके रखिबाकु चाहिमि। ताले एठी लेखिले कौन ना ए व्रत जो माने पालन करिबे नदी रे पहरिबेनि मिथ्या कहिबेनि गच्छ वृक्ष आरोहण करिबेनि विशेष खाली रे बुलिबा उद्देश्य रे पर्वत आरोहण करिबेनि जेपरी शरीर को निजर किछि कष्ट न होय शरीर को कोनसी प्रकार कष्ट देबेनि केवल जो कष्ट ति भौतिक कष्ट न दे केवल कष्ट परमार्थिक कर्म रे कष्ट लागेनि। आउ गोटे जिनस मु रखिले एति पई आपनकु रोसेई पई हविसारन प्रस्तुत पई पूजा विधि तो पछरे आसीब जो क्षीर आणिबे एथिरे कुहा जाइछि जे आपण ब्राह्मण गोरु क्षीर आणिबेन माने कथाटी एटी केते गुरुत्वर एट देखन आउ जेउ द्रव्य आणिबे ताकु मद्यप स्पर्श करिवोनि मद्यप जदि कोनसी मदुआ लोक ताकु स्पर्श करिवो स्पर्श करिला अन्य मानक कथा तो छाड़ अर्थात एटी कहिवार अर्थ आमे से आड़ किए मद्यप मद्यप आ सहित संपर्क ना विशेष भाव देखा गले आम माँ मैंने हविष करती आम जाचु कहती बाप आमको कई छुअन माने कई तो छुईबार नहीं आ मद्यप जीव कड़े सीए गाध सारा साधारण लोक भी छुईवा निषेध कही ना ताकू स्पर्श करती आीरटी आसे कौटू गोपा घर ना गोपा घर दुग्ध आने अर्थ भगवान निजे गोपा गोपी गोपाल माने दही बिकिबा उद्देश्य न रखी जो भाई भगवान को अर्पण करुले माने बिकिबा को जाउछन्ति से कृष्ण कहते मत लहुणी दियो हौने से देखला बेलू बिकिबा भूलीगले सत प्रवृत भाव जो जो माने माने से भगवान सहित माने गोपी प्रेम भाव जग्रत हाँपाई ये गोपा घर को से कहीदे गोपा घर आण मंदिर आषेध आणवनापर आस काकुड़ी बहु बीज मध्यवंतल फल देखी शुद्धे मूल के योग्य सर्वसारु कृष्ण वर्ण रे मुग करु शुकल इखु नारी केल अगस्ती शाक धात्री फल आद्रक मूल अग्रभागे संपारी शुद्ध पात्र जोगे जहाकु जेय बा मिलिब न पाई विमुख नुहिब अर्ण संजोग पत्र सार कहिबा सुणा नृपवर। बढ़िया सुंदर कथा एटी देखंतु जहा गुरु आमे वर्णना करथिले कंचा कदळी बंतल कदळी सारु नड़िया काकुड़ी माने ये सब जो कंदमूल जो सब फल ओ घी ये मसटा घृत सेवनर मस आस भोक कम हुए आमिष भक्षण निषेध मस लिखिले कहीं प्रथम कथा समस्त ये व्रती मानी नुहे व्रती मान तो आमिष स्पर्श ही करें अलग कथा लुण लुण से माने गोटा लुण व्यवहार करती जहाँ आम श्रीमंदिर व्यवहार से लुण को ही व्यवहार करती किंतु आमिष भक्षण यहाँ समस्त अच्छी कार्तिक मासरे बहुत ओडिया विशेष ओडिया नब्बे भाग ओडिया आमिष भक्षण करती ना यार अर्थ हूँ धर्म उद्देश्य वैज्ञानिक मत कार्तिक मासरे माछ मानकर प्रजजनर मास एबे जे कोनसी माछ को कटा जाए से माछरे मंजी बाहर आपण कहे जदि माँ मंजी नथिया माछ ना कार्तिक अन्य माछ गुड़िक कार्तिक मासरे विशेष माछ रोगाक्रांत थांती एठी लेखिला स्त्री संगम न करिवो मत्स्य संगम द्वारा अन्य मत्स्य माने रोगाक्रांत थांती तेणु कार्तिक मासरे खाइले माछ खाइले रोग हुए अर्ण संजोग पत्र सार कहिवा सुणा नृपवर शाळपण सरंभातरु पलाश एघेनी मध्यरु
ए चारि वृक्ष जे बा मिले अर्ण संजोगी वसे बले द्वितीय स्नहान निमन्ते चिक्कण वंछा कले चित्ते सोरिष रंग अंगे घेनी जेते दिवस धर्म हानि से कथा शुणी एक चित्ते विशेष एकादशी व्रते पर्व पर्वाणी चतुर्दशी षष्ठ काल रे जे वाससी पितृदिवस जे बा हेब तैल ग्रहण न करिब एतु उतारे कथा शुण कार्तिक हविष्य लक्षण आदित्य वारुणी प्रवेश से काले कल्पिब हविष्य अर्ण संजोग पत्र स्थाने बसिब धरणी आसने पूर्व दिग कुमुख करि हस्ते तुलसी जल धरि कृष्ण करिब निवेदन तेणे संतोष जनार्दन विष्णु को देही अवशेष चित्तरे कल्प करि ग्रास भोजने न कहि वचन मऊने करि आचमन फुणि उत्तम स्थाने बसि राम गोविंद नाम घोषी जागर जाळी संध्या काले बसाई देवतांक आळे बसाई देवतांक आळे अर्थात एठी गोटे आउरी गोटे कथा आसला कौन गोटे गोटे एठी दर्शन मिलंती जो माने रोषेईरे सबु प्रकार परिबा समस्ते पांतिनी जहाँ मिलिब सेतिकिरे करिब न मिलिला बोली दुख करिबो दुख करिबो अंला व्यवहार करि परिबो अंला द्वारा आमको जहाँ विटामिन मिलिला विटामिन सी मैं अंला व्यवहार होला अन्य पक्ष रे कौन होला ना कंचा कदळी व्यवहार होला भोजन केमिति करिबो जहाँ भोजन से माने कौन करंती वस्त्र शुक्ल एवं पित्त कह जाय छी माने जहाँ को घी कलर कह जाए गेरुआ वस्त्र या वस्त्र भितर तीनोटी वस्त्र व्यवहार करती दिन को प्रथम जोटा से राति पिंधिकी शयन करे से वस्त्रटी धुआला दिन को गोटे वस्त्र चौरा मुरुज कले से शाढ़ीटी को से रखिदेवे जहाँ पिंधि वस्त्र रखि सारापर आउ गोटे वस्त्र से पिंधिकी रोष करेंगे माने परिवा काट से निजे ही सब करती बेले बेले कौन हुए से सेवार सौभाग्य जी पाई बोहू मैंने जदि था सीएंक साय करती सी विशेष भाव सुधपूत भाव में संकल्प करी से संकल्प नक सहित सुध सी क्या छुंती गोटे वस्त्र रोष करेंगे रोष कर सारापर ताकू जनार्दन को समर्पण कर छड़े पूजा करेंगे दीटा पत्र पड़ गोटे बड़ पत्र पड़ ये पत्र पड़ पड़ सारापर कौन हम ना से भोजन करेंगे भोजन पुणी केमी ना सूर्य अस्त हो नोजन हम सूर्य अस्त पूर्व भोजन गोटे थर ही भोजन आउ भोजन जा से शांति ताकू कौन करेंगे मान आउ कि रखिथे से जो भोजन करने को जी से समय पूर्वर पिंधि वस्त्र टी काढ़ी देते भोजन जो वस्त्र करेंगे से वस्त्र से पिंधे भोजन समय रे भी कह डाक भी शुणवे क्या सहित कथा कहबे कहार डाक कान पड़ा नुहे प्रथम कथा क्या किसी कहबे कि किसी शुणवे भोजन कर सारापर से वस्त्र परिवर्तन कहीं परिवर्तन ना वस्त्रटी परिवर्तन करी जागर जागर कौन ना से गोटे दीपटीए देवे प्रतिदिन दीप यह हूँ कार्तिक मास एक श्रेष्ठ प्रदीप प्रज्वलन मास से माने प्रतिदिन दीपटी जालंती जो दीपटी जालंती विशेषकर गोटे आकाशदीप आकाश को से दीप परमात्मा को उद्देश्य कहीं कहीं आकाशदीप न बसे पारे भी चौरामूले गोटे दीपटीए बसंत चौरामूले दीपटीए बस तुलसी चौरामूले तुलसी मान चौरामूले दीपटीए बसे मुंडिया टी मारती संध्या काले संध्यावती जो दिया जाए मुंडिया टी मारती मारिके पुणी तांकर से वस्त्र टी पुणी परित्याग करिवे ए सब गोटांक दिनकर पूजा सरिला तापर टिके नाती नातिनी जदि थिबे तांको संगे किंतु सेतिके भितरे कोन हबो ना कार्तिक पुराण पढ़ाटी जदि सकाळे चौरा मुर्ज समय रे पुराण पढ़ा न होईची संध्या बेळकु केही पुराण पढ़िया को आसिबे नचन जदि बाकी थिबे सब निजे ही पढ़ी परिबे बा के पढ़िबे सुनिमे एथरो आसंतु जिबा आउ आगुकु कोन अछि जीवन जनव्रती होई कार्तिके तृण पारि सोई तांक वचने पुण पूजा अर्चना करी देव राजा मंडप उपरे कलश विराळ बांधि जिनवास
चारिद्वारी पूजा विधि विप्रवचने करी सिद्धि पूजीव जगत अधिप गंध चंदन धूप दीप शुकल पुष्प शिरे देही बोलीव कृष्ण त्राही त्राही विविध उपहार द्रव्य मंत्र सुमरी भोग देव गोविंद नाम धरि नित्य उत्सव वाद्य नृत्य गीते एमं तवंतीव सर्वरी निशि प्रभाति स्नान करी तिलकंचन गुरुदान विप्रंकु करी निवेदन तांक पत्नी किति निसाड़ी देई करीब कर जोड़ी हे विप्रवर तुम्बे हरि मते संसारु कर पारी एवं त कहिबा वचन गुरुंकु देव अन्नदान तिल पायस दधिर से अनल पूजीवा संतोषे विप्र दक्षिणा विप्रे देव मिलाणी मागी गृह जीव जहा कार्तिके थिव छाड़ी जतन प्रकारे तालोड़ी। सुंदर कथाटिए एक उद्यापन विधि कार्तिक व्रत आरंभरु व्रती जी संकल्प करिथिबे सेमाने पूर्णमी दिन उद्यापन करिबे संकल्प फिटेइबे आकु आमर प्रांतीय भाषा रे कहा जाए संकल्प फिटेइबा। संकल्प जतेबेले फिटेइबे से दिन विप्रंकु दान दक्षिणा जहाँ दबा कथा तो भल भाव देबे किंतु एथिरे गोटे सुंदर कथा अच्छी विप्र पत्नी की तीनटी शाढ़ी देबे। आमर तीनटी शाढ़ी कथा गत अध्याय आलोचना होता कारण से माने भोजन समय रे एवं चौरा मुरुज समय रे एवं रात्रि समय रे तीनोटी शाढ़ी व्यवहार करती तेणु तीनोटी नूतन वस्त्र विप्रपत्नी एतद व्यतीत छंचा दक्षिणा इत्यादि जहाँ निज संबल विप्र को सतोष कर गुरु को भोजन दब गुरु को भोजन गुरु को निमंत्रण कारण आप प्रथम रु गुरु ही श्रेष्ठ ए गुरु को भोजन इत्यादि गुरु को जदि नूतन वस्त्र दे पारे आहरी भल कथा तेणु गुरु को मध्य दान दक्षिणा देवार विधि अच्छे गुरु को विदाय दे गुरुमाता एपटे विप्र को दे विप्र पत्नी दान धर्म करी जहाँ छाड़ी थी ग्रहण करई कई छाड़ खाई दिन दिखती पर दिन अर्थात जहाँ को कहुए छाड़ खाई आम कंचा ओडिया जहाँ छाड़ी थी खाइब जहाँ छाड़ी थी खाइब मानने खाद्य द्रव्य रे आमे शुद्ध साकार न खाऊ आमर जिते पनीपरिया सब छाड़ी आलु बैगण अन्न्य ए सब द्रव्य को आम ग्रहण कर तेणुक ये कहगला जहाँ छाड़ी थी ता खाइब ए अनुक्रमे द्रव्य विप्र भोजन समर्पिव आर कदिने आदिमासे कार्तिक व्रत अवशेषे प्रतिपादन निज गृह बंधु कुटुंब घेनि स्नेहे पाक संपादी सडर से भोजन करिवा संतोषे एमं त कार्तिक विधाने व्रत पाळंती जे हूँ जने तांकर धर्म फल जहा कहिवा सुण नर नाहा संसारे जेते धर्म मान तुला पुरुष आदि दान गंगा जमुना सरस्वती मणि कन्निका पुण्यवती नर्मदा प्राग गोदावरी सिंधु संगमे सुरासुरी प्रवासे प्राची वैतरणी गोमती रेवा कृष्णावेणी जे चंद्र भागा चित्रोत्पला जे हूँ जनम विष्णुशिला ब्राह्मी जे मान सरोवर तही विजय गदाधर सुवर्ण रेखा मधुमती जे हृद सिद्धिवान स्थिति पापनाशिनी पुण्यतोया इंद्रदिमुन विष्णु माया सरजु शिवा गंगा नदी ऋषि कुल्यादि महानदी यारि पुण्य तीर्थ जल स्नान कले कजेते फल राजस्व आदि जेते कृत्य वेद विहिते जेते व्रत जोग समाधि दान ध्यान प्रसाद आदि कीर्तिमान बंचीवा वर्णाश्रमे रही तप्त दगध करी देही ए सर्वधर्म ठूल करी कार्तिक वर्तनु हे सरी। एठी मु मानगोविंद महोदय एठी रुकिया चाहिए जे कौन कहीगला आपण माने भलो आवरे सुनिले राजस्वीय यज्ञ मैंने यज्ञ कले जिते तीर्थ व्रत स्नान कले शरीर को तपेकी जिते कष्ट कले कहते सत्य युगरे तपी त्रेतयारे कपी द्वापर गोपी कली भक्त भक्त तपी छपी छपिकी रही जहाँ भी करूँ ये सब प्रकार जी पुण्य मिले एतद व्यतीत समस्त तीर्थ गंगा जमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी कृष्णा जिते जिते नदी अच्छी ये सबू नदी में स्नान कले जिते फल एगार मस जाक पंचतीर्थ ठार आरंभ करके आप महोदी में स्नान कले जिते फल जिते तिलकांचन दान जिते गोदान जिते प्रकार भूमि दान तेणु ये समस्त जी पुण्य
केवल कार्तिक मास व्रत रे सेतिकि पुण्य आगुकु जीवा अंगे जे पाप विघ्न अछि कार्तिक संकल्प रे जंती केसरी आगमन पथे जेने पळंती गज जुते एमंत कार्तिक महिमा वचने के देवा उपमा कार्तिक छाड़ी जेते करी दस सागर फल सरी भविष्य सतगुणे जात उद्यापन रे लक्षे गुण जाग जोग रे स्वर्ग भोग कार्तिक वैकुंठ रे जोग विधि संकल्पे व्रत कले अक्षय मुक्ति पाई भले जावत धर्म नेहि नाश जुवती जेने परवास सुधर्म पण जाई तार कार्तिक ही ने तिन्हे नर किंचित जेते प्रतिपाल अन्य कर्म कु धर्म बल कार्तिक पाली अन्य धर्म कले सफल सबु कर्म एही प्रकार एकादशी आवर पालन तुलसी एति महिमा समान विशेष कार्तिक प्रधान सुण राजन धर्म सार ए पद्म पुराण केसर उत्तर खंडे पर सिद्धि कार्तिक धर्म जता विधि जे हा सुने दिव्य ज्ञाने संशय दूर करी मने से ही कार्तिक धर्म पाई सर्व दूरित क्षय जाई ब्राह्मण वारी चारि वर्ण स्त्री पुरुष जे वाजन बिना कार्तिके नो हे सिद्धि विष्णु श्री मुखे कही छंदि से प्रभु वाक्य उपदेश भण ई महादेव दास इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे कार्तिक महात्म्य पृथु नारद संबारे कार्तिक उद्यापन धर्म कथन नाम षष्ठ अध्याय। सुंदर कथा आपण माने सुनिले कार्तिक व्रत पालन दिन ही अर्थात जो दिन कार्तिक व्रत उद्देश्य रे संकल्प करा जाय थाए से दिन जीवर समस्त पाप दूरीभूत हो जाए आउ तापरे कार्तिक उद्यापन दिन लक्षे गुण रे फल मिली थाए तेणु कार्तिक रे मुख्य तीनोटी जिनस तुलसी पूजन अथच तुलसी माने यार अर्थ होची तुलसी आराधनार मास ये आ कार्तिक मास रे आपण जेमिति रंग रे जहा करिके मुरुज आंकी दियंतु ता सुंदर ही सुंदर तेणु करी ये सबु एठी महादेव दास आउरी मध्ये कहउचंती जेते प्रकार पुण्य व्रत आपण करिथिबे जदि कार्तिक व्रत टी पालन न करुचंती ताहाले कार्तिक व्रत सहित एमाने के समान नुहंती एवं जदियो कहा जाए से सबुर फल न थाए ता तो नुहे किंतु से वर्ष एगार मास आप चिंता करना एगार मस आम व्रत कर पुण्य अर्जन करवा ना कार्तिक गोटे मस अर्जन कर पुण्य अर्जन करवा आउरी मध्ये एथिरे अछि जो माने मासे पर्यंत इच्छा अछि आकु माने पालन करि परिबे नै तांको पई मध्ये सुविधा अछि एहि ग्रंथ सबुर सरलीकरण से आमर वेद पुराण एमाने शरीर को कष्ट देइना जते प्रथम लेखि दिजिन शरीर को कष्ट दबनि किंतु कार्तिक महात्म रे एथिरे केवल खाली टिके पालन विधि मौन भगवत ध्यान एतिकि जो माने करि परिले संत महादेव दास कहउछंती जे सेमानकर फल वर्णना ही करियबनी माने ए मर्त्य मंडल रे भौतिक जगत रे निज पिला छुआक धन संपत्ति वृद्धि सहित इह पर काल रे वैकुंठ लोक रे स्थान दे जांती कार्तिक व्रति माने खाली सेतिकि नया परे आपण देखिबे जो माने पालंती तो जा एही ग्रंथ रे हमकु मिलिबे जो माने व्रत को देखती से माने मध्ये कौन पाती आपण माने समस्ते जानिथिबे कार्तिक पुराण बा कार्तिक महात्म कौन ओडिया घरे नुआ कथा नुहे विभिन्न जगह लगी किंतु आम समस्ते जमी मशाणी को शब नहीं जाऊ दाह करने को कांदेकि नाला बेले राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है जमी आम दाह करदे से आम भाविले प्रकृत लोकटा आसी चलीगला कौन हम आम भी सीदिने एमती जावा सब कथ मन पड़ जा पछ कथ आग कथ जमी आम जाली आसवा से कौन करवा काम काम सत्य है काम काम सत्य है मान सी गला ये ठीक आमर मध्य से आमर उद्देश्य ये कार्तिक महात्मार प्रति पदटी आपण आई से आम कार्तिक महात्म टी आम मैंने आपण मानक भेटिदापी आमर अध्याय प्रतिदिन पाठ सहित व्याख्या आम चालू रखु दर्शक बंधु ये कार्तिक श्रवण एवं कार्तिक व्रत जो मैंने कर दर्शन में पुण्य धनेश्वर विप्र कथा अच्छी आम आगक जावा आज ये बाणी की विश्राम दवा से पर्यंत आम उभय आपण आशीर्वाद करिबा जय जगन्नाथ।